बच्चों, तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 के अंतर्गत इसके आधार पर कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक धारा मापी जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दिया है धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100, यानी धारा मापी की कुंडली के प्रतिरोध को हम लिखते हैं जी से, तो जी बराबर 100 ओम। एक मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, यानी हम एक मिली एम्पियर की यदि विद्युत धारा धारा मापी में प्रवाहित करते हैं तो उसकी कुंडली पूरी तरह से विक्षेपित हो जाती है। तो धारा मापी से बहने वाली धारा दी हमें एक मिली एम्पियर, धारा मापी से बहने वाली धारा को लिखते हैं आई जी बराबर एक मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सवाल करते समय सभी भौतिक राशियां एक ही पद्धति में होनी चाहिए, जे एम के एस में, तो इसको भी एम के एस में कन्वर्ट करें। तो एक मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, ये मतलब एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दिया है एक एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि उस धारा मापी से एक अमीटर बनाना है और उस अमीटर की जो परास है, रेंज है, वो एक एम्पियर तक की रखनी है, यानी कि ऐसा अमीटर बनाओ जिससे एक एम्पियर तक की धारा का मापन किया जा सके, ठीक है। तो एक एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि उस धारा मापी के साथ कितने ओम का प्रतिरोध लगाना होगा कि वह धारा मापी एक एम्पियर तक की धारा का मापन कर सके, ठीक। तो देखिए उस धारा मापी से बहने वाली धारा कितनी होगी, मतलब पूरे अमीटर से बहने वाली धारा एक एम्पियर, यानी एक एम्पियर तक का मापन कर सके। इसके लिए हमें कितने ओम का प्रतिरोध लगाना होगा, तो एस बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं, उसके साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर, और अल्प प्रतिरोध के तार को बोलते हैं हम संट, और संट का प्रतिरोध होता है एस, तो एस का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला आया था वो मैं लिख रहा हूं। हमारा क्वेश्चन ये रहा था उस समय कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण तथा प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो प्रयुक्त तार का प्रतिरोध कितना आया था वो मैं आपको लिख रहा हूँ। तो वो जी आया था एस बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस के आई जी, जो हमने पिछले वीडियो में जो आपको पढ़ाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए S बराबर आई जी का मान कितना है 10^-3, G का मान कितना है 100 बटे I का मान 5 और आई जी का मान 10^-3, नहीं I का मान कितना दिया 1 दिया है 1। इसको सॉल्व करें तो S बराबर देखिए जे 10^2 और जे 10^-3, ऊपर कितना बचेगा 10^-1 बटे जे कितना है 1 माइनस, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1/10^3। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, देखिए 10^-1 के बन जैसे का जैसा, या एलसीएम आ गया 10^3, इसका इधर गुणा कर दूं तो जो हो जाएगा 10^3-1, क्लियर। देखिए मैं इधर कर रहा हूं, एस बराबर ऊपर 10^-1 जो बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो जो ऊपर चला जाएगा 10^+3 और बटे नीचे कितना बचेगा जो 1000 हो जाएगा और माइनस 1, तो ऐसा लिख दें इसको 1000-1, तो एस बराबर आ गया। ऊपर सेपरेट करो 10^-1 और 10^+3 तो 10^2 और बटे कितना बचेगा 1000 में से 1 जाएगा तो 999, और सेपरेट करूं तो जो हो जाएगा 100/900, 100 में 999 का भाग देंगे तो भाग जा नहीं रहा है,
तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, 1000 में 999 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो हम और भी आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतने की याद कर देंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो इतने ओम का प्रतिरोध हमें लगाना होगा, ठीक है। तो यदि हम इतने ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो उस धारा मापी से 1 एम्पियर तक की धारा का भी मापन किया जा सकता। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए, एक धारा मापी को जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, जो 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, 0 से 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब कुल मिला के कोई धारा मापी है जिससे हमें वोल्ट मीटर बनाना है, और उस वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो कितनी रखनी है, 0 से 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट तक के मतलब विद्युत धारा के वोल्टेज का मापन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होता है वो कितने ओम का जोड़ना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध दिया है जी बराबर 100 ओम, एम के एस में दिया, जो 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, यानी कि धारा मापी से जब इतने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी कुंडली पूरी तरह से विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो इस धारा को हम आई भी लिख सकते हैं और आई जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आई जी लिख ले रहा हूँ, क्योंकि ये धारा धारा मापी से होकर जाएगी, कितनी है 5 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 5×10^-3 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होता है, पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, 0 से 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, तो भी बराबर कितना दिया 10 वोल्ट, ठीक है। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो यहां पर हम प्रतिरोध लगा देते, उसको आर नाम दे देते, वोल्ट मीटर बनाते थे तब, अब मीटर बनाते थे तब उसको एस प्रतिरोध नाम देते थे। फॉर्मूला इसका आप जानते ही होंगे, क्या होता था, आर बराबर बी बटे आई, आई जी भी लिख सकते हैं चाहो तो, यहाँ पर मैं आई बराबर भी इसको लिख ले रहा हूँ, आई बराबर आई जी बराबर और माइनस के जी, ये फॉर्मूला आता था। तो आर बराबर मान रख दें, यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 10, आई का मान 5×10^-3 और माइनस के 100। देखिए इसको हम ऊपर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 10×10^+3 और बटे 5 और माइनस 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा दो बार, ये 10^3 यानी कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 और माइनस 100, घटाएंगे तो R बराबर आ जाएगा 1900 ओम। तो यदि उस धारा मापी के साथ में 1900 ओम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वह धारा मापी 0 से 10 वोल्ट तक का विभवांतर ज्ञात कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार में जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा है, आठ एम्पियर की धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित की जाती है, इस तरह के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 100 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक तार में जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा है, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा है और कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है 8 एम्पियर की, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, आई बराबर लिख दे रहा हूं मैं, दिया है आई बराबर 8 एम्पियर, ठीक, आगे बोल रहा है इस तरह के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण
एक सेंटीमीटर टुकड़ा, मतलब अल्पांश की लंबाई दी है डीएल बराबर एक सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10^-2 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, एक सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी डी बराबर दिया है हमें, या आर बराबर भी मान सकते थे, हमने क्या माना था, आर बराबर माना था, तो आर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 100 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी बराबर हमें ज्ञात करना है, पहले दिशाएं बनानी है, तो दिशा बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, जो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखिए, तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है, किधर, ऐसे में, दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में मतलब इधर में। तो जे कोण कितना बन जाएगा, 45 डिग्री, यानी हमें थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। अब देखिए, वही बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता था, डी वी बराबर, अब देखिए एक छोटे से अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो इसको मैं डी वी नाम दे रहा हूं, तो डी वी बराबर μ0/4π आई डी एल साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर, सबके मान दिए हमारे पास। देखिए डी वी बराबर μ0/4π का मान होता है 10^-7, आई का मान कितना दिया 8, डी एल का मान 10^-2, साइन थीटा की वैल्यू 45 और बटे आर का मान कितना दिया 1, और वर्ग है तो वर्ग, इसको हमें कैलकुलेट करना है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बराबर, देखिए जे 10^ कितनी है, 7, और जे 10^-2 कितनी हो जाएगी, 10^-9, 8 को पहले लिख दूं तो 8×10^-9, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, तो डी बी बराबर, देखिए नीचे से अंडर रूट को हमें हटाना है तो √2 का ऊपर गुणा कर दें, √2 का नीचे गुणा, तो जो हो जाएगा 8×10^-9 √2/√2×√2, ये तो 2 हो जाएगा, तो डी बी बराबर कितना आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू रख दूं मैं तो 8×10^-9 1.414 ऐसा रहता है कुछ, और बटे कितना आ जाएगा 2 से जे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो डी बी बराबर आ जाएगा 5.6×10^-9 टेस्ला। ठीक है, जे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, 1 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर चालक में 2 एम्पियर की धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। जैसे कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एल बराबर हमें कितना दिया है, 1 मीटर। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर, तो ए बराबर 2 एम्पियर। किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जे मान लीजिए, बी बराबर जे कितना दिया है, 3×10^-5 टेस्ला। तो इसके कारण चालक पर बल का परिमाण यानी एफ हमें ज्ञात करना है, और इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दी गई हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है एल बराबर 1 मीटर 2 एम्पियर,
ये सब एमकेएस में दिया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी बराबर 3×10⁻⁵ टेस्ला। इसके कारण चालक पर बल का परिमाण हमें ज्ञात करना है, बल का मान ज्ञात करना है, इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। एक चीज और दी गई है हमें, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, किसी चालक पर लगने वाले बल के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, एफ बराबर होता था आई एल वी साइन थीटा। तो सूत्र लगा दे रहा हूं मैं, लॉरेंज बल में हमने निकाला था एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, मान रख दें तो एफ बराबर आई का मान 2, एल का मान 1, बी का मान है 3×10⁻⁵ और साइन थीटा की वैल्यू 90। एफ बराबर, देखिए साइन 90 का मान तो हम पहले से ही जानते हैं कितना होता है 1। इसको सॉल्व करना है, देखिए 2 का इससे करेंगे तो 6, तो जो हो जाए 6 10⁻⁵ और ×1, यानी एफ बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 6×10⁻⁵ बल है, इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। तो इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा क्या होगी, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता था कि बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो यहाँ पर यदि हमें अप्लाई करें तो देखिए जे होगा, मध्यमा हमारा क्या हो जाएगी नीचे की तरफ, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के लंबवत ऊपर की तरफ, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत, लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, एक सीधे तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा कि कोई तार है, इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी दिशा नहीं बताइए, मैं समझता हूँ ऐसे ही बह रही है, तो आई बराबर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तार से 10 सेंटीमीटर जो मान लीजिएगा, आर बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी बराबर हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया, आई बराबर 3 एम्पियर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²⁪ मीटर, कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻²⁣ मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक लंबे रिज रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जे क्या हो गया, लंबा सीधा धारावाही चालक तार हो गया, तो सीधा फॉर्मूला लगा दें, क्या होता था, बी बराबर μ0/4π 2I/, वहां पर डी दूरी ली होगी तो डी हो जाएगा, आर ली होगी तो आर हो जाएगा, मान रख दें सीधा, मान रखने पर मैं इधर मान रख रहा हूं, तो बी बराबर μ0/4π का मान 10⁻⁷, 2I का मान कितना दिया है 3, और बटे आर का मान 10⁻¹। ये 10⁻¹ है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, जे गुणा करेंगे तो 6, 10⁻¹, जे ऊपर जाएगा तो 10⁻+, तो b बराबर आ जाएगा 6×10⁻¹ कितना हो जाएगा जी 6। तीव्रता का मात्रक क्या होता है एमकेएस में, अभी हम टेस्ला ही लिख रहे हैं,
तो टेस्ला। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर कि अब आता है हमारा अगला प्रश्न। 300 फेरे प्रति मीटर की परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, किसी परिनालिका में जिसमें तार के फेरे कितने लपेटेगा, या 1 मीटर पर 300 फेरे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की। परिनालिका की लंबाई दी है 0.5 मीटर, त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें दिया है वो लिखें, दिया है फेरों की संख्या n बराबर 300 फेरे प्रति मीटर, I बराबर कितना दिया है 5 एम्पियर, परिनालिका की लंबाई l बराबर 0.5 मीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b बराबर क्वेश्चन। हमने परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वो जे आई थी b बराबर, जो फॉर्मूला आया था b बराबर μ0 ni, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए b बराबर μ0 की वैल्यू क्या होता है, देखिए μ0/4π बराबर क्या होता है 10^-7, तो यहाँ से μ0 की वैल्यू निकालेंगे तो जे आ जाएगी 4π×10^-7, n की वैल्यू 300 और i की वैल्यू 5। इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो b बराबर देखिए जे कितना हो जाएगा, जे 10^ कितनी है 2, तो जे तो बचेगा 10^-5, इसका इसमें गुणा कर दूँ तो हो जाएगा 15। तो देखिए 4π×10^-5, इसको कैलकुलेट करते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, भाग देंगे तो कितना आएगा 3.141। तो b बराबर 4π की वैल्यू 3.14×15×10^-5 गुणा करेंगे जब पूरा तो जे आ जाएगा b बराबर, पूरा कैलकुलेशन करेंगे 1.9×10^-3 टेस्ला।